Hey guys, welcome back to my channel, You, Me and K-Drama में. तो well, intense love यहाँ से start होता है कि ज़ाइलिन उस लेडी और फोटो के बारे में सोच रही होती है. तभी वो फीफी को कॉल लगा के कहती है कि क्या वो कोई प्राइवेट डिटेक्टिव को जानती है तो नंबर दे दे. तभी लिंग वहाँ पर आता है और उसे कहता है कि किसे ढूंढना है, उसके लिए उसे प्राइवेट डिटेक्टिव का नंबर चाहिए. तो ये सुनते ही ज़ाइलिन कहती है कि तुमने तो कहा था कि मेरे लाइफ में इंटरफियर नहीं करोगे. तो लिंग कहता है ऑफकोर्स नहीं, लेकिन मैं तुम्हें कुछ नंबर दे सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझे किस देना होगा. तो ज़ाइलिन उसे किस करती है, फिर कहता है कि तुम चेरी खिलाओगी तो मैं तुम्हें नंबर दे दूंगा. तो ज़ाइलिन उसे खिलाने की एक्टिंग करते हुए खुद खा लेती है, लेकिन लिंग भी उसके लिप से वो चेरी निकाल कर खा जाता है. ज़ाइलिन भी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम बता रहे हो या नहीं. तो लिंग कहता है तुम वेनली को बता दो, वो सब तुम्हारी हेल्प कर देगा, और उसे उठाकर बेडरूम ले जाता है. फिर ऑफिस में वेनली लिंग से कहता है कि टोंग की सारी सीक्रेट इंक्वायरी निकालने पर भी कुछ पता नहीं चला. तो लिंग कहता है इन सब के पीछे कोई और मेन पर्सन है. तभी ज़ाइलिन का वेनली को कॉल आता है और वो लिंग के मॉम को ढूंढने का कहती है. फ़ोन रखते ही वेनली जैसे ही लिंग को बता रहा होता है तो लिंग उससे रोक देता है और कहता है कि मुझे कुछ मत बताओ क्योंकि ज़ाइलिन खुद टाइम आने पर मुझे बता देगी. फिर बताते हैं कि ज़ाइलिन कहती है कि मैंने बहुत अच्छी स्टोरी लिखी है जिसकी फाइनेंस लिंग करेगा, तुम फर्स्ट लव गर्ल रोल करोगी, एक्टर चुयान होगा. तो ज़ाइलिन स्टोरी पढ़ने लगती है और फिर उसे चुयान की सीक्रेट क्रश वाली बात याद आती है और आर्यन की भी बात याद आती है कि चुयान तुमसे प्यार करता है. तो वो फीफी से कहती है कि मैं ये रोल प्ले नहीं कर सकूँगी. फिर ज़ाइलिन चुयान से मिलती है और झिझकते हुए उसे सीक्रेट क्रश वाली बात याद दिलाती है और उसे पूछती है कि क्या वो उसे पसंद करता है, लेकिन वो लिंग को बहुत प्यार करती है. तो ये सुनते ही चुयान हंसने लगता है और कहता है तुम आखिरी लड़की हुई तो भी मैं लिंग को चूज़ करूँगा. तो ज़ाइलिन कहती है फिर वो तुम्हारे क्रश. तो चुयान कहता है कि वो बहुत खुश है और उसे देख कर मैं खुश हूँ. फिर ज़ाइलिन कहती है कि आर्यन ने मुझसे झूठ क्यों कहा था. तो चुयान कहता है कि तुम हो ही बेवकूफ़, तुम्हें कोई भी बेवकूफ़ बना सकता है. तो ये सुनते ही ज़ाइलिन उसके हाथ पे मुक्का मारती है. तो चुयान ऐसे एक्टिंग करता है कि उसे बहुत ज़ोर में मार लगी है. फिर ज़ाइलिन कहती है कि तुम्हारे डैड के साथ तुम्हारी कैसी गुजर रही है, तुम्हारे डैड तुमसे बहुत प्यार करते हैं लेकिन वो एक्सप्रेस करना नहीं जानते. तभी वेनली का मैसेज आता है जिसमें लिंग की मॉम का एड्रेस दिया होता है, जिसे पढ़ते ही ज़ाइलिन वहाँ पर चली जाती है. और यहाँ पर चुयान को वही लड़की मिलती है जिसने उसे वेयर हाउस से भागने में मदद की थी. उसकी बाइक ख़राब होने की वजह से चुयान अपनी कार में ऑर्डर डिलीवरी कराने में मदद करता है. उसकी बातें सुनकर उसे ज़ाइलिन की याद आती है, वो ज़ाइलिन की ही तरह बातें करती है. फिर ज़ाइलिन लिंग की मॉम से मिलती है और उनसे पूछती है कि उन्होंने लिंग को क्यों छोड़ा और लिंग उनसे इतनी नफरत क्यों करता है और उनकी बातें कभी नहीं करता. तब लिंग की मॉम कहती है कि मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में हमेशा लड़ाई होती थी, मेरे हस्बैंड के ऑर्डर पर चलना पड़ता था, मुझे हर चीज़ में परमिशन लेनी पड़ती थी. एक दिन इतनी लड़ाई हुई कि मैं घर छोड़कर चले गई, कभी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं लिंग से फिर जाकर मिलती. आगे कहती है वो कि लिंग मुझे बस उसके डैड के डेथ पर मिला था, उसने एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा. तो ज़ाइलिन कहती है कि आपने उसे अपने साथ क्यों नहीं लेकर गई. तो उसकी मॉम कहती है कि उसके डैड ऐसा कभी नहीं होने देते, मैं उसकी माफ़ी नहीं चाहती लेकिन मैं बस उसे दूर से ही देखकर खुश हो जाती हूँ. फिर ज़ाइलिन लिंग के ऑफिस जाती है उसके लिए लंच लेकर. तो उसे देखते ही लिंग रोमांटिक हो जाता है और ज़ाइलिन को शिकायत होती है कि उसने फीमेल सेक्रेटरी क्यों रखी है. तो लिंग कहता है कि वेनली जब तक ठीक नहीं हो जाता तब तक ही वो फीमेल सेक्रेटरी यहाँ पर है. नेक्स्ट डे लिंग की मॉम ज़ाइलिन के पास डम्पलिंग देती है लिंग के लिए, जिसे खाते ही लिंग सीरियस हो जाता है और उसे पूछता है कि उसने कहाँ से सीखा. तो वो कहती है ऑनलाइन से, अगर उसे पसंद नहीं आए तो वो पीडन डॉग को खिला देगी और डॉग से बड़े ही प्यार से बात करने लगती है. तो लिंग कहता है कि अगर हम दोनों पानी में गिर गए तो तुम किसे बचाओगी. तो ज़ाइलिन कहती है चलो मैं तुमसे पूछती हूँ कि अगर
तुम्हारी मॉम और मैं पानी में गिर गए तो तुम किसे बचाओगे? तो लिंक कहता है कि मॉम के जगह पर ग्रैंडमा को रख दो तो मैं ग्रैंडमा को बचाऊंगा और तुम्हें सांस रोकना सिखाऊंगा, और उठकर उसे किस कर देता है। फिर लिंक के ऑफिस जाते ही लिंक की मॉम घर आती है और उसे पूछती है कि क्या लिंक वापस नहीं आएगा। तो ज़ाइलिन कहती है कि वो अब इस टाइम में ऑफिस में होगा और मेड ग्रैंडमा के पास गई है। फिर लिंक की मॉम लिंक के लिए खाना बना रही होती है और ज़ाइलिन लिंक को मैसेज करती है मिस यू, जिसे पढ़ते ही वो वेंडी से कहता है कि मैं घर जाऊंगा क्योंकि कोई मुझे मिस कर रहा है और तुम्हें क्या पता मिस करने की फीलिंग कैसी होती है। और यहाँ पर ज़ाइलिन मीट देखकर उसे वॉमिट के जैसे फील होता है तो वो वॉशरूम चले जाती है। तभी लिंक वहाँ पर आता है और उसकी मॉम को किचन में देखकर गुस्सा हो जाता है, उन्हें घर से निकलने के लिए कहता है। ज़ाइलिन वापस आती है और उसे मना करती है, लेकिन लिंक उसे भी गुस्सा करता है। तो उसकी मॉम कहती है कि इसमें ज़ाइलिन की कोई गलती नहीं है, तो वो कहता है कि हमारे फैमिली मैटर है, कोई बाहर वाला इंटरफियर ना करे, और उसकी मॉम घर से चले जाती है। फिर रात में लिंक बेडरूम में आता है और ज़ाइलिन से अपने बिहेवियर के लिए सॉरी कहता है। तो ज़ाइलिन कहती है कि वो डिटेक्टिव मॉम के एड्रेस के लिए ही पूछा था, वो उसका पीछा कर रही थी मॉल में, और वैसे भी वो कब तक इतनी नफरत दिल में रखेगा, और वो भी बड़े तकलीफ में है। तो ये सुनते ही लिंक कहता है कि वो कैसे तकलीफ में है, उन्होंने मेरे डैड को दूसरे आदमी के लिए छोड़ दिया, मैं कभी मेरा बर्थडे नहीं बनाता था क्योंकि वो दिन मेरा बर्थडे था जब वो मुझे छोड़ गई, मैं गिड़गिड़ाता रहा पर वो मेरी तरफ देखी भी नहीं, फिर मुझे लगा मेरे में कोई कमी है, इसलिए मैंने मेरे डैड की हर बात मानी और मेरे मॉम का इंतज़ार करने लग गया, लेकिन वो कभी नहीं आई और मेरा इंतज़ार नफ़रत में बदल गया। तो ये सुनते ही ज़ाइलिन को बुरा लगता है और वो उससे सॉरी कहती है। रात में जब ज़ाइलिन सो जाती है तो वो उठकर अपनी मॉम की फ़ोटो देखने लगता है, तभी ज़ाइलिन भी वहाँ पर आती है। तब लिंक कहता है कि मैं अब तक डरता रहा कि कहीं उनको देखकर मेरे जख्म और तकलीफ़ ना दे, लेकिन अब मैं मिलना चाहता हूँ और इस तकलीफ़ को ख़त्म करना चाहता हूँ। ये सुनते ही ज़ाइलिन आई लव यू कहती है। तो लिंक कहता है मैं तुमसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। और यहीं पे ये एपिसोड एंड होता है। तो मेरा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना, और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय, चीज़।